आज हम बात करने वाले हैं एक ईस्पोर्ट्स एथलीट के बारे में जिसे 80 करोड़ रुपए मिल रहे हैं वीडियो गेम खेलने के लिए। बट उससे पहले वीडियो को जरूर एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ये स्टोरी के बारे में जानना है। सबसे पहले शुरू करते हैं वैलोरेंट के खुद के आईपीएल के साथ। स्काई स्पोर्ट्स लीग के मैचेस आज से शुरू हो चुके हैं एंड व्हाट अ क्रेजी टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी। 10 लाख का प्राइस पूल और फाइनली लैंड पे जाने का चांस। वाह, स्काई स्पोर्ट्स तो पूरा साल टूर्नामेंट कराते आ रहा है और इस टूर्नामेंट के लिए प्लेयर्स और टीम्स ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं और सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और एथलीट्स को रोप इन किया है ये टूर्नामेंट के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ क्रेजी अफेयर सिटी वाइड और हम भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस टूर्नामेंट में एज टीम बेंगलुरु। लगता है जी फाइटिंग का नारा लगाने का टाइम आ गया है। अब बात की जाए नोबल ईस्पोर्ट्स के बारे में तो पता चला कि उनका बूट कैंप शुरू हो चुका है मुंबई के आसपास खारघर में और उनके वाइल्ड रिफ्ट प्लेयर्स और वेकुलेशन है कि पबजी मोबाइल प्लेयर्स उस घर में रहने वाले। बिग प्रॉप्स टू नोबल, अभी सबके बूट कैंप मुंबई में ही हैं और मुंबई के आसपास ही हैं, सो इट्स ग्रेट टू सी द होल इकोसिस्टम कमिंग टुगेदर इन वन प्लेस। थोड़ा सा अमेरिका का भी सैर कर लेते हैं यार। नॉर्थ अमेरिका का फर्स्ट स्ट्राइक वैलोरेंट फाइनल्स चालू हो चुका है और भाई क्या ही मैचेस हो रहे हैं। फाइनल 8 टीम्स बची हैं इस टूर्नामेंट में और बहुत ही इनसेन सेट ऑफ मैचेस राउंडेड अप है। ये टूर्नामेंट रायट के ऑफिशियल यूट्यूब और ट्विच चैनल्स पे स्ट्रीम हो रहा है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज गो चेक इट आउट। एंड व्हाट्स मोर, निंजा और मिथ इस टूर्नामेंट को कोकास्ट कर रहे हैं, तो भाई कैसे ही मिस कर सकते हैं आप लोग। गो चेक आउट द टूर्नामेंट्स और अपने प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। नाउ पिछले 2-3 महीनों में इंडियन वैलोरेंट कम्युनिटी में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। वेलोसिटी गेमिंग इनमें से एक नहीं है। अभी तक दे आर अनडिफीटेड एंड द लास्ट टूर्नामेंट दे वन वाज द ईस्पोर्ट्स क्लब का 4th चैलेंजर सीरीज बीटिंग आउट नोबल ईस्पोर्ट्स 3-2। आई थिंक रीसेंट पास्ट में इन दोनों टीम्स का मैच सबसे इंटरेस्टिंग रहा। 3-2 Velocity Gaming जीती बट Nobly Esports congratulations on putting such a bold performance ahead। और इस टूर्नामेंट के थोड़े ही दिन पहले हमें पता चला कि Nobly Esports के प्लेयर्स अब XCC Esports के नाम से खेलेंगे आगे जाके। अब Nobly Esports कौन सा नया टीम उठाने वाली है इसके बारे में तो स्पेकुलेशन जारी है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाय द वे, इन सब चीजों को छोड़ के राइट ने वैलोरेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। अकॉर्डिंग टू डेटा माइनर्स, वैलोरेंट का बैटल रॉयल मोड आने वाला है। पहले मोबाइल के लीक्स, अब बैटल रॉयल के लीक्स। भाई राइट क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, व्हाट ऑल डू यू हैव अप योर स्लीव, कांट वेट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। और पता नहीं ये सब आने के लिए कितना टाइम लगेगा बट मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इस हफ्ते फ्री फायर में कॉन्टिनेंटल सीरीज का टूर्नामेंट खत्म हुआ और भाई क्या ही टूर्नामेंट रहा। 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा प्राइस पूल, 3 रीजन में बटे और एशियन रीजन का रिस्पॉन्स भाई भारी रहा। ऑलमोस्ट 1.58 मिलियन पीक कंकरेंट व्यूअरशिप और एवरेज व्यूअरशिप 6 लाख से भी ज्यादा लोग देख रहे थे इस टूर्नामेंट को। और इस टूर्नामेंट के एशियन फाइनल में ऑलमोस्ट 5 करोड़ टोटल व्यूज थे भाई, वाओ। और इस टूर्नामेंट में टोटल गेमिंग ने भी पार्टिसिपेट किया जो कि इंडिया के सबसे अच्छी टीमों में से एक है। बट इस टूर्नामेंट का रिजल्ट उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा, 8th में फिनिश किया। और पता चला है कि इस टूर्नामेंट के बाद वो लोग रोस्टर चेंजेस भी सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं इसके बारे में प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत ही एक्साइटिंग टाइम चल रहा है गाइस ईस्पोर्ट्स में। टूर्नामेंट्स के अलावा बहुत सारे इवेंट्स भी होस्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते ओमन फैन फेस्ट 2020 भी खत्म हुआ। इसमें हमारे खुद के चहेते भाविन कोटवानी जो कि हेल रेंजर हमारी टीम के IGL और कैप्टन भी इस इवेंट में शामिल हुए। बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट था टू सपोर्ट द राइज ऑफ PC ईस्पोर्ट्स इन इंडिया। अब इस इवेंट में HP इंडिया ने ईस्पोर्ट्स गोल्ड क्वेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस किया है जिसमें प्लेयर्स को 12 लाख रुपए मिलेंगे एनुअल स्कॉलरशिप के तौर पे और 50,000 रुपए का सैलरी भी मिलेगा और इसके साथ एक पूरा ईस्पोर्ट्स का किट भी मिलेगा HP ओमन से अलोंग विद एन इंटरनेशनल ट्रिप वेयर यू विल गेट टू ट्रेन विद द बेस्ट ईस्पोर्ट्स स्टार्स इन द वर्ल्ड। अब ये स्कॉलरशिप इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ओपन है फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 16 to 20 और 2021 से इस स्कॉलरशिप को रोल आउट किया जाएगा। तो इफ You are eligible for the scholarship, go apply immediately. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और इसी के लिए पूरा टैलेंट हंट होने वाला है जो जैन 2021 से शुरू होगा और इसके रिजल्ट्स जून तक आ जाएंगे। हमने अभी तक PUBG मोबाइल के बारे में बात नहीं की, इसलिए नहीं किया बिकॉज सच में बताऊं गाइस ऐसा है नहीं कोई भी अपडेट जो मैं आपको आज के दिन दे सकूं। एक ही चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे APKs आने लगे मार्केट में, PUBG मोबाइल इंडिया का लेबल दिया जा रहा है इन्हें,
फॉलो मत करना, बिलीव मत करना, बिकॉज अभी तक गेम अनबैन नहीं हुआ है. रजिस्टर हो गया है कंपनी, टीजर भी आ गया है, बट उसके अलावा अभी तक कोई सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है. डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर. अभी इन्फ्लुएंसर्स भी बोल रहे हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तरसों आ जाएगा, 12 तारीख अच्छा डेट है, 12 तारीख को आ जाएगा. बिलीव मत करो, बिकॉज अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है. और जैसे ही थोड़ा भी कुछ भी सब्सटेंशियल आ जाए, पहले पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा. तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में मुझे बताओ आप लोग क्या गेम खेल रहे हो आज के टाइम. अभी बात करते हैं पर्क्स के बारे में, जो कि एक लीग ऑफ लेजेंड्स प्लेयर है और वो क्लाउड 9 के लिए खेलता है. अब इसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदा गया था G2 Esports से और इसकी डील वैल्यू 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. मना आप सोचिए, एक बंदा गेम खेल के कितनी सैलरी कमा सकता है. फैक्ट्स आपके सामने. अब इस डील के फुल डिटेल्स जैक एटियन, जो के C9 के फाउंडर हैं, एक वीडियो में रिवील करते हैं और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गो चेक इट आउट, इट्स एन इनसेन स्टोरी. मुझे तो नहीं पता था कि गेम खेल के इतने पैसे कमा सकते हैं और मैं तो एक ईस्पोर्ट्स एथलीट रह चुका हूं ऑलरेडी. भाई पता होता तो मैं कभी रिटायर नहीं होता, पता है. एनीवे, आपके क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताइए. और जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना. मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में. चलो बाय.